हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सभी लोग? ये वीडियो है फ्रेंड्स 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को मेहंदी थी मेरी सिस्टर की और यहाँ पे दुल्हन की मेहंदी लग रही है। एक मेरी भतीजी है जो मेहंदी लगा रही है और जो ब्लू सूट में है वो मतलब मेरे छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ है। तो ये यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं और वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई मेहंदी की। मेहंदी की क्या, कोई भी वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों के साथ शादी की वीडियो शेयर करने की। यहाँ पे कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये नाइट की है जिस दिन मेहंदी लगी थी। ये मेरी सिस्टर है और यहाँ पर हम 5 बहनें हैं। मेहंदी वाले दिन की है ये वीडियो। यहाँ पे मेरी सिस्टर हैं, यहाँ पे हम सभी बहनें हैं और हमारे बच्चे लोग हैं और यहाँ पे मम्मी पापा हैं दुल्हन के साथ। थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लिए, हमारी फैमिली है लेकिन इसमें गौरव नहीं है, फैमिली कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, हम बताने कहाँ है। और ये दूसरे दिन की है, हल्दी के दिन की, मेहंदी के दूसरे दिन की, यानी कि 4 तारीख की मॉर्निंग की। ये पल एक लड़की के लिए बहुत मतलब मुश्किल पल होता है। बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी अंजू, बहुत ही ज़्यादा रोई जा रही थी। तो बांध वाली वीडियो मैंने थोड़ा सी आप लोगों के साथ शेयर की, पूरी वीडियो नहीं की, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। और वीडियो बच्चों ने बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी पीहू जो है अपनी मासी को बांध दे रही है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि हमारे पहाड़ों में किस तरह से हल्दी की रस्म होती है। सारी लड़कियां तैयार है, ये मेरी सिस्टर की बेटी है। ये ना दोनों तीनों जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 2-3 दिन पहले से इनका रो रो के बुरा हाल हो ही जा रहा था। मेहंदी से इनका जो है रोना शुरू हो गया था कि मासी की शादी हो रही है यहाँ पे। अभी मैं आ गई हूँ बांध देने के लिए। देखिए अंजू कितना रोई जा रही है। बस थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाई है बच्चों ने, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि शादी में मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं लिया। शादी वाले घर में तो काम कितने होते हैं आप लोग समझ सकते हैं, पहाड़ों में तो मतलब खुद से काम करना होता है। तो मैंने इनके पास दे दिया था फ़ोन कि तुम वीडियो बना लेना, लेकिन इन्होंने थोड़ा थोड़ा ही बनाई, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बहन की बेटी है जो अभी थोड़ी देर पहले थी ना, उससे पहले नंबर की है। ये 3 बेटियाँ हैं मेरी बड़ी वाली बहन की। इस तरह से बांध दिया जाता है हमारे पहाड़ों में। और जितने भी लोग रहते हैं, आए हुए रहते हैं ना शादी में, सभी बांध देते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने शेयर की है वीडियो आप लोगों के साथ। और ये मेरी बहन की बड़ी वाली बेटी है। तीनों बेटियाँ यही बांध देने में आ गई है और यही लोग वीडियो बना रहे थे, बाकी इन्होंने बनाई भी नहीं वीडियो। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी बहन है बड़ी वाली, 5 बहनें हैं। और ये मेरी सबसे छोटी लाडली बहन है जिसकी शादी हुई है। ये बड़ी वाली है जो मेरे बाद में जिसका नंबर है वो वाली है, दूसरे नंबर वाली। और अभी सब ने बांध दे दिया था, अभी हल्दी लगा रहे हैं दुल्हन को। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वीडियो बनाई थी और इसके बाद मंगल स्नान होगा, उसके बाद पूजा होगी। तो आज शादी की पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। कुछ वीडियो जो है शादी की अगली वाली वीडियो में आएगी। बच्चे लोग बना रहे हैं ना, इसीलिए कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है। जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ना, वो हल्दी वाली थी जिसपे सॉन्ग चल रहा है, तो रील्स बना रहे थे, तो वही मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो अभी जो है मंगल स्नान होगा, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। आरती होगी, देवी देवताओं का आगमन होगा। आरती में देवता आते हैं, जो भी हमारे कुल देवता हैं, इष्ट देवता है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। Thank you.
सभी लोग आरती करेंगे। प्लीज आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार।